हेलो गाइस नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू यूट्यूब न्यूज 24/7। खबरें हैं बहुत सारी, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं एमसी स्टैन के बारे में। तो एमसी स्टैन के ऊपर लाइव अटैक करा गया उनके हैदराबाद शो के दौरान, जिसके कारण वो शो कैंसिल करना पड़ा। कुछ फैंस पेज ने पोस्ट करते हुए बताया कि हैदराबाद के शो में लफड़ा हो गया, गेट फिर से तोड़ दिया, पब्लिक ये बिगड़ी और जाम लगाया है, नेटवर्क भी नहीं है वहाँ पे, इसलिए कोई फैन पेज लाइव नहीं आ पा रहा है। शो पे लड़ाई हो गई, एक्सपेक्टेड था, उधर की पब्लिक हार्ड है बहुत। वो शो कैंसिल हो गया। कुछ लोगों ने स्टैन को पानी की बॉटल फेंक के मारी। चले बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। हम बात करने वाले क्रेजी दीप के बारे में। तो क्रेजी दीप ने रोस्ट कर डाला है, कहे तो एक्सपोज कर डाला है एलविस यादव को अपने इस वीडियो में, जहां वो गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करते हैं, वहीं अपने पावर एंड ऑडियंस के गलत इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कहा है उन्होंने। चले देखिए उनकी वीडियो की छोटी सी क्लिप। फुल वीडियो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे तुम सारे कोर्स वोर्स कर रहा है एलविस भाई, जो वीडियो में दूसरे लोगों को बोलते हैं और खुद की ऑडियंस का काटते हैं। ये मेरा वोटर आईडी, इसके ऊपर देखो महेश्वरी लिखा हुआ, और मैंने थोड़े दिनों पहले ध्रुव आईडी पे वीडियो भी बनाई थी। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके फैंस मेरे को इंडियन हिंदू नहीं बोले। पहले सुनो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैंटेसी एंड गैम्बलिंग है। आर्टिकल पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, पढ़ लेना। मैं खुद अपने चैनल पे फैंटेसी एप्स प्रमोट करता हूँ, क्योंकि इन ऐप से गवर्नमेंट 30% तक टैक्स लेती है, तो ये लीगल और लाइसेंस्ड होते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं खुद प्रमोट करता हूँ तो मुझे दिक्कत क्या है? पोर्श का पैसा है वाला जो गाड़ी हम ले रहे हैं कि वो नुकरा नुकरा भाई कहाँ आ रहा पैसा? तो मैं कहा तुझे तो जैसे पता ही ना है भाई अपना। बहुत सारे लोगों का डाउट भी होगा कि मेरा इनकम सोर्स क्या है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल करोड़ प्लस की गाड़ी है, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो वो पूरा तो मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगा कि भाई इतना यहाँ से आ रहा है। बट जो कुछ तो यूट्यूब मनी भी है और कुछ भाई जो पोर्शन है वो बता दो कहाँ से आ रहा है भाई। कुछ पोर्शन है वो तुम्हें पता, मैं हर बार बताता भी हूँ, अपना थोड़ा बहुत कम हो पा रहे हम। मेरी ये बात ऑडियंस से ज्यादा क्रिएटर समझेंगे। जब भी हम कोई ऐप प्रमोट करते हैं तो हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है, हमें वो स्क्रिप्ट परफॉर्म करनी पड़ती है, जैसे 3 करोड़ का सोना जीतोगे बोलना पड़ता है यार। लेकिन अगर हम उस स्क्रिप्ट की जगह अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर दे कि मैंने पोर्श या घर, मैंने इस ऐप की वजह से खरीदा, तो मेरे को लगता है कि ऑडियंस ज्यादा ट्रस्ट कर लेगी, जो कि थोड़ा गलत। वैसे एलविश भाई ने झूठ भी नहीं बोला, पोर्श आई तो इसी ऐप की वजह से, पर खेल के नहीं बेच के। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो क्या ट्रिगर्ड इंसान का इनकम रिवील हो गया है? एक यूट्यूबर है ऋतिक महलावत, जिन्होंने एक वीडियो शेयर करा जहां महलान फैमिली लाइक ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, प्रेरणा महलान एंड डिंपल महलान सबके यूट्यूब इनकम को रिवील कर दिया है। चलिए देखिए उनकी वीडियो की छोटी सी क्लिप। फुल वीडियो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। करते कि वो यूट्यूब एडसेंस के थ्रू कितना पैसा कमा रहे हैं, जो कि उनकी ओवरऑल इनकम का 10% भी नहीं होगा। आपको तो पता ही होगा कि जितना पैसा यूट्यूबर्स एडसेंस के थ्रू कमाते हैं उसके 3-4 times वो ब्रांड डील्स के थ्रू कमाते हैं। फॉरेन में एडसेंस फिर भी ठीक है, बट इंडिया में तो यार बहुत ही बेकार है। खैर अब बात करते हैं फुकरा इंसान की। भाई फुकरा इंसान नेटवर्थ कहीं सही नहीं है, लाइक यूट्यूब से हमारी इनकम बन जाती है 7-8 लाख रुपए। तो भाई फुकरा इंसान यूट्यूब एडसेंस के थ्रू 7-8 लाख रुपए पर मंथ आराम से कमा रहे होंगे। एंड अब फाइनली बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान की, कि वो यूट्यूब के थ्रू कितने पैसे कमा रहे हैं। एंड ये चीज उन्होंने गलती से अपनी स्ट्रीम में रिवील कर दी थी। हार्ट बनेगा। अरे गया स्ट्रीम गया, चैनल ही ना उड़ा दिया। और बस 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 यहाँ पे अगर आप लोग इनका चैनल का एनालिटिक्स देखते हो तो यहाँ पे इनका इनकम बाय मिस्टेक शो हो जाता है ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से। एंड यहाँ पे इनका 1 month का इनकम अराउंड $16,000 है। एंड इसको अगर आप लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो वो तकरीबन 11.5 लाख रुपए तक हो जाता है, यानी कि 11.5 लाख रुपीज सिर्फ यूट्यूब से। इस टाइम पर ट्रिगर्ड इंसान के 7 million सब्सक्राइबर्स थे, बट आज उनके आराम से 17 million सब्सक्राइबर्स है, तो इस अमाउंट का आराम से डबल कमा रहे होंगे, मतलब 20-25 lakh rupees पर मंथ फ्रॉम YouTube AdSense। तो उनकी पूरी की पूरी फैमिली अपने मेन चैनल्स के थ्रू आराम से 35-40 lakh rupees पर मंथ कमा रही होंगी। एंड ये सिर्फ YouTube AdSense है, ब्रांड का पैसा अलग होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है हर्ष बेनीवाल की तरफ से। तो हर्ष बेनीवाल का न्यू वीडियो की शूट स्टार्ट हो गई है, इससे रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी शेयर करा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मैक्सन की तरफ से। तो मैक्सन ने यूट्यूब शॉर्ट से रिलेटेड एक ट्वीट करते हुए लिखा, यूट्यूब शॉर्ट डिजर्व अ डिफरेंट ऐप, प्लीज यूट्यूब डोंट किल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। जिस पे खतरनाक ईशान ने भी रिप्लाई करते हुए लिखा, सही है यूट्यूब शॉर्ट्स, इट इज ब्रिंगिंग मोर यूजर्स, इट इज क्रिएटर्स जॉब टू कन्वर्ट देम टू सब्सक्राइबर। सबसे पहले व्यूअर्स आते हैं, उसके बाद बाकी सब। नेक्स्ट अपडेट आ रही मोस्ट व्यूड हिंदी वीडियो ऑफ इंडिया, जो कि है टी सीरीज की हनुमान चालीसा बन चुकी है वीडियो, जिस पे 3 billion+ व्यूज हो चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट आई मनोज दे की तरफ से। मनोज ने ट्वीट करते बताया कि उनका पॉडकास्ट आने वाला रियलिटी के चैनल पे, जिसके लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही रचित्रों की तरफ से। तो क्या कोई रचित्रों का कंटेंट कॉपी कर रहा है? एंड अब वो उन्हें एक्सपोज करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ओ माय गॉड, दिस क्रिएटर डजंट स्टॉप कॉपिंग वीडियो आइडियाज, टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन दिस इशू, टायर्ड ऑफ दिस। गाइस अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।